हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में आज हम यूपी पीसीएस एग्ज़ाम, जिसकी डेट है 28 अक्टूबर, इस एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट 5 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से 4 तक के वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 5। पहला क्वेश्चन है, 27 अगस्त 2018 को देहरादून से दिल्ली के बीच जैविक ईंधन का इस्तेमाल करके उड़ान का सफल परीक्षण करने वाली एयर इंडिया का नाम क्या है। देखिए, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जैविक ईंधन का इस्तेमाल करके उड़ान का सफल परीक्षण किया गया है। तो इस एयरलाइन का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा स्पाइस जेट। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अगस्त 2018 की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का क्या नाम रखा गया होगा है क्या नाम रखा गया है? तो ये है अटल नगर। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें एशियाई खेलों में महिला निशानेबाजी खेलों का स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये महिला निशानेबाजी खेलों का स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय हैं। तो इसका आंसर होगा, चार ऑप्शन दिया है, पहला राही सरनोबत, दूसरा हिना सिंधु, तीसरा अनीशा सैयद और चौथा है कविता यादव। इसका सही आंसर होगा राही सरनोबत। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अगस्त 2018 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के हवाओं के संवेदन यानी कि सेंसिंग का पता लगाने के लिए प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है? चार ऑप्शन दिया है और इसका सही आंसर होगा एओलस। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक देशों का प्रथम सैन्य युद्धाभ्यास सितंबर 2018 में कहां किया जाएगा? देखिए, ये बिम्स्टेक देशों का प्रथम सैन्य युद्धाभ्यास है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये किया जाएगा पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं ये, और ये हैं सी प्रज्ञानंदा। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी की गई मोबाइल पर पासपोर्ट सेवा का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका नाम है एम पासपोर्ट, एम फॉर मोबाइल पासपोर्ट। और ये भी पूछा जा सकता है कि एम पासपोर्ट मोबाइल पर पासपोर्ट सेवा किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है विदेश मंत्रालय द्वारा, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, विदेश मंत्रालय द्वारा, और ये है एम पासपोर्ट। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये मनाया जाता है 26 जून को, 26th of June। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर है। आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा कि नो टबैको डे ये मनाया जाता है 31st of May को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के लिए प्रति लीटर पानी में यूरेनियम की मानक सीमा कितनी निर्धारित की गई है? चार ऑप्शन दिया है, पहला है 25 माइक्रोग्राम, दूसरा है 30 माइक्रोग्राम, थर्ड है 18 माइक्रोग्राम और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से लर्न कर लीजिएगा, इसका सही आंसर है 30 माइक्रोग्राम। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, 30 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, बहुत ही चर्चा में था ये, ने हाल ही में किस एशियाई देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? पता ही होगा आप लोग को, और ये है पाकिस्तान। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस जिले में हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत के किस जिले में हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया है? चार ऑप्शन दिया है और इसका सही आंसर होगा शांगली। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने बेल ने पहला विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है और ये पहला विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया गया है। और ये कहाँ किया गया है, चार ऑप्शन दिया है, पहला है श्रीलंका, दूसरा नेपाल, तीसरा वियतनाम और चौथा है बांग्लादेश। और इसका सही आंसर होगा वियतनाम, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 से 27 मई के बीच 2018 को उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान मेकून में यमन में फंसे भारतीयों को किस ऑपरेशन के तहत सुरक्षित निकाला गया। इस ऑपरेशन का नाम भी याद रख लीजिएगा और इस उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान का नाम भी याद कर लीजिएगा जो कि है मेकून। ठीक है, मेकून याद कर लीजिए, यमन याद कर लीजिए और इस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो ये था ऑपरेशन निस्तारण, निकालना, ऑपरेशन निस्तारण, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जोजिला सुरंग की लंबाई क्या है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन है, तो ये है जोजिला सुरंग, इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है, तो इसकी लंबाई है 14.15, ऐसे याद कर लीजिए आप लोग, 14 के बाद आता है 15, यहाँ पे पॉइंट दशमलव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2018 को अग्नि प्रथम मिसाइल, अग्नि फर्स्ट मिसाइल का परीक्षण अबुल कलाम द्वीप ओडिशा में किया गया, इसकी मारक क्षमता कितनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि अग्नि प्रथम मिसाइल का परीक्षण कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया अबुल कलाम द्वीप और ये है कहाँ, आपसे पूछा सकता है, तो ये है उड़ीसा में। तो इसकी मारक क्षमता कितनी है, चार ऑप्शन दिया है, इसकी मारक क्षमता है 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। इस प्रकार हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, 1 जुलाई 2018 को फ्रांस में लेस सैबल्स डी ओलेन हार्बर में आरंभ हुई गोल्डन ग्लोब रेस 2018 में भाग लेने वाले एकमात्र एशियाई हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2018 को फ्रांस में लेस सैबल्स डी ओलोन हार्बर में आरंभ हुई गोल्डन ग्लोब रेस 2018 में भाग लेने वाले एकमात्र एशियाई हैं, तो ये हैं, चार ऑप्शन दिया है, इसका सही आंसर होगा अभिलाष टोमी, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतार संचार के लिए प्रयुक्त होने वाली लाईफाई LIFI में डाटा के संचरण के लिए उपयोग किया जाता है। आप लोग इसको ऐसे याद कर लीजिए, LI फॉर लाइट, लाइट फाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा के संचरण के लिए प्रयोग किया जाता है प्रकाश को, यानी कि लाइट को, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। 27वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, चार ऑप्शन दिया है, सुरेंद्र वर्मा, शंघ घोष, ममता कालिया और वीरेंद्र कुमार। तो 27वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया ममता कालिया को, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। चार ऑप्शन है, नीरजा, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, मॉम या न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो ये कौन सा देश है, चार ऑप्शन दिया है, थाईलैंड, चीन, सिंगापुर, मलेशिया। और इसका सही आंसर होगा मलेशिया, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस थे और बाकी जो प्रैक्टिस सेट हैं उसमें 25 क्वेश्चन हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चन। आई होप ये वीडियोज़ आपके आने वाले एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।